दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। और आज मैं आ चुका हूँ ओम व्हील गिरजा मोड़ आरा बिहार, एंड मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं सौरभ ऑटो वर्ल्ड। तो आई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं गाइस आप सबके लेकर आ गया हूँ ऑल न्यू रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे कलर में। और आज इसका हम करने वाले हैं फुल डिटेल रिव्यू। एंड उससे पहले चैनल पर न तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये गाड़ी के बारे में सारा डिटेल बात करने वाले हैं, क्या क्या इसमें फीचर्स मिल जाते हैं, एक्सोरू प्राइस, ऑन रोड प्राइस, और क्या क्या इसमें एसेसरीज इंस्टॉल होता है, वो एसेसरीज का प्राइस क्या है। तो सारा डिटेल में बात करने वाले हैं, कितनी कलर आती हैं और कितना वेरियंट आपको मिलने वाला है। ये टॉप मॉडल आप देख रहे हैं और इस साइड आपको बेस्ट मॉडल मिल जाता है। तो दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंट है ही नहीं। इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाएगा और इसमें आपको बेस में स्टील रिम मिल जाता है। यही थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, बाकी लगभग सारा कुछ आपको सेम ही मिलने वाला है। प्राइस का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस का। 217,588 रुपये इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस आपको मिलने वाला है। ऑन रोड प्राइस 260,000 मिलने वाला है। अगर आप इस गाड़ी में एसेसरीज इंस्टॉल करवाते हो तो 270,000 आपको पड़ जाएगा। आई मीन एसेसरीज का लगभग वही आपको 10,000 के लगभग पड़ने वाला है। कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कलर का बात करें रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 में, तो बहुत सारे कलर आपको मिलने वाले हैं। मतलब कि बेस से लेकर टॉप में आपको करीब 10 से 12 कलर मिल जाते हैं। तो कलर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है और आपको जो कलर पसंद है वो अपने चॉइस से ले सकते हैं, बशर्ते कलर आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। आप चॉइस करिए आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल से। तो जैसे हम सामने आते हैं, यहाँ पर आपको हैलोजन हेडलैम्प मिलने वाला है, देखिए। एंड लाइट वगैरह क्वालिटी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। रात वगैरह में भी आप आराम से राइड वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे आर का बैजिंग मिल जाएगा लाइट के अंदर, और ऊपर भी आपको दो हैलोजन लाइट मिल जाता है। और इसके वजह से लुक और ज़्यादा अच्छा लगता है, लग रहा है कि मतलब कि आँख जैसा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। और जैसे हम साइड में आते हैं, हैलोजन टर्न इंडिकेटर आपको मिलने वाला है। और अब बात करते हैं टायर सेक्शन का। तो ब्लैक में आपको अलॉय व्हील मिलने वाला है और साइड में आपको ब्लू का देखिए ग्राफिक मिल जाएगा। तो इसके वजह से और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सीएट का टायर मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। अगर बात करें टायर सेक्शन का, 100x90R19 का टायर सेक्शन मिलने वाला है और टायर साइज आपको 19 इंच मिल जाएगा। और दोनों साइड आपको सस्पेंशन पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है और ड्यूल चैनल ABS आपको मिलने वाला है। अगर बात करें फ्रंट ब्रेक साइज़ का, तो आपको 300mm इस गाड़ी का फ्रंट ब्रेक साइज़ मिल जाता है। अगर फ्रंट सस्पेंशन का बात करें तो टेलीस्कोपिक 41mm फॉर्क्स 130mm ट्रैवलर फ्रंट सस्पेंशन आपको मिलने वाला है। अच्छा खासा आपको सस्पेंशन मिल जाता है, काफ़ी हेवी मिल जाता है। बॉडी कलर में आपको मटगार्ड मिल जाता है। तो ये गाड़ी का कहना नहीं है, प्योर मेटल में मिल जाता है, इसमें कुछ कहना नहीं है। बिल्कुल आपको फुल्ली ये क्लासिक 350 फुल्ली लोहा आपको मिलने वाला है, कोई टक्कर देने वाला नहीं है। और इसे देखिए मेट्योर लगा है, इसका आप देखिए मटगार्ड बिल्कुल फाइबर का मिलने वाला है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह होता है थोड़ा बहुत, इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। अगला कहीं नुकसान होगा, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस का। तो 170mm इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। बाकी डिटेल आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और इस साइड आपको लेगर्ड मिल जाएगा, ये एसेसरीज का पार्ट है। और यहाँ पे देखिए इंजन गार्ड भी लगा हुआ है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, मैं आप सबको दिखाता हूँ। और इसमें सीट कवर भी लगा हुआ है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। और पिलियन के लिए कम्फर्ट के लिए लगा हुआ है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। तो वही जैसे मैंने आप सबको बताया, 8 से 10 हज़ार लगभग आपको एसेसरीज लगने वाला है। और टैंक कुछ ऐसा दिखता है, देखिए प्योर मेटल में बॉडी कलर में आपको टैंक मिल जाएगा। और यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का मैट ब्लैक में बैजिंग मिल जाता है, देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इंजन कुछ ऐसा दिखने वाला है, देखिए कितना ज़्यादा हेवी इंजन आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे भी आपको रॉयल इनफील्ड का बैजिंग मिल जाता है, देखिए फुल्ली मैट ब्लैक में आपको बॉडी भी मिलने वाला है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब ब्लैक ब्लैक एंड ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। एयर ब्रेक ये भी आपको अच्छा मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको ग्रिप वगैरह मिल जाता है। और राइडर फुटरेस्ट भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है रॉयल इनफील्ड का, इस पर भी आपको बैजिंग मिल जाता है, ये भी फोल्डेबल है। और पिलियन फुटरेस्ट भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है, इस पर भी रॉयल इनफील्ड का बैजिंग मिल जाएगा और ये भी फोल्डेबल है। और अब बात करते हैं इंजन का।
349 सीसी इंजन मिलने वाला है। पेट्रोल मैक्स पावर 20.2 bhp, मैक्स टॉर्क 27 Nm, BS6 इंजन मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है। वाल्व्स पर सिलेंडर की बात करें तो 2 मिलने वाला है। 5 स्पीड मैनुअल गियर मिल जाएगा। और माइलेज की बात करें तो 35 आपको देने वाला है। बाकी डिटेल आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इंजन का। और इस साइड आपको क्लासिक 350 का ग्राफिक मिल जाएगा। और ब्लू का ये जो कॉम्बिनेशन है देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये टूल किट है, आप किला के ओपन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं रियर टायर सेक्शन का। तो 120x80 और 18 का रियर टायर सेक्शन मिलने वाला है। सीएट का टायर, ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। एलोविला को वही ब्लैक में मिलने वाला है। एंड ब्लू का साइड में ग्राफिक मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वही आपको ड्यूल चैनल ABS मिलने वाला है। और ब्रेक आपको 270 mm का ब्रेक मिल जाता है। और अब बात करते हैं रियर सस्पेंशन का। ट्यून ट्यूब 6 स्टेप एडजस्टेबल प्री लोडिंग रियर सस्पेंशन आपको मिलने वाला है। और कुछ ऐसा आपको एग्जॉस्ट मिलने वाला है इस गाड़ी के। देखिए काफ़ी लंबा मिल जाता है क्लासिक 350। और अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और इसका साउंड भी आप सबको सुनाते हैं। तो पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। इस गाड़ी का साउंड कैसा है तो अच्छा खासा साउंड मिलने वाला है, बिल्कुल फायर, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत लोग इसमें अलग से एग्जॉस्ट मतलब कि इंस्टॉल करवाते हैं साउंड के लिए, तो आपका चॉइस है, आप भी करवा सकते हैं। और अब देखते हैं रियर से कैसा दिखता है हमारा गाड़ी। तो यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का बैजिंग मिल जाएगा। और हैलोजन में आपको टेल लैम्प मिलने वाला है और हैलोजन इंडिकेटर मिल जाएगा। और यहाँ पर नंबर प्लेट वगैरह अपना इंस्टॉल करवा सकते हैं। और रियर टायर बिल्कुल आपको चौड़ी मिलने वाली है। और अब बात करते हैं सीट का। तो कुछ ऐसा आपको सीट मिलने वाला है, बिल्कुल कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है। देखिए मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। तो सीट का जो कंफर्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। और ये पिलियन के लिए प्लस पॉइंट है। और इसमें आप आराम से बैठ सकते हैं बिल्कुल कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और लॉन्ग राइड पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बात करें सीट हाइट का, 805 mm का इस गाड़ी का सीट हाइट मिलने वाला है। और इस साइड भी देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। तो ये आपको साड़ी गार्ड मिल जाएगा इस साइड, ये एसेसरीज का पार्ट नहीं है, ये पहले से ही आपको इंस्टॉल मिलेगा। और यहाँ पे एक ग्रैप मिल जाता है, आप पकड़ के गाड़ी को डबल स्टैंड में कर सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा वेट है तो इसके लिए ये काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और यहाँ पे भी क्लासिक 350 का ग्राफिक मिल जाएगा। और इस साइड आपको बैटरी या टूल किट मिल जाएगा। और यहाँ से अपना की लगा के इसको ओपन कर सकते हैं। और इसमें आपको ड्यूल स्टैंड भी मिलने वाला है और साइड स्टैंड भी मिलने वाला है। कटअप फीचर्स मिल जाता है, अगर आपका स्टैंड गिरा हुआ रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, न्यूट्रल में स्टार्ट हो जाएगा, बाकी गियर में ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। और ऐसा कुछ आपको गियर मिलने वाला है, 5 स्पीड मैनुअल गियर मिलने वाला है, 1 डाउन और 4 अप गियर आपको मिलने वाला है। और इस साइड से कुछ ऐसा दिखता है इंजन, वही आपको मैट ब्लैक का इंजन मिलने वाला है। और यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है। और इस साइड से कुछ ऐसा गाड़ी दिखता है हमारा, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। और अब बात करते हैं टैंक का। तो टैंक कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है, देखिए कितना ज़्यादा बड़ा आपको टैंक मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको सेफ्टी मिल जाता है, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि ज़्यादा आप राइड करोगे तो टैंक वगैरह हीट हो जाता है, तो इसके लिए दोनों साइड आपको सेफ्टी मिल जाएगा, तो ये प्लस पॉइंट है। और यहाँ से अपना फ्यूल टैंक को ओपन कर सकते हैं। अगर बात करें इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी का, तो 13 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा। रिजर्व का बात करें तो 2.6 लीटर इस गाड़ी में हमेशा आपको रखना पड़ेगा। और अभी मैं आप सबको इस गाड़ी का की दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा आपको की मिलने वाला है, यहाँ पे भी आपको रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, रॉयल इनफील्ड का लोगो भी मिल जाएगा, तो काफ़ी प्यारा आपको की मिलने वाला है। और कुछ ऐसा इस गाड़ी का आपको स्टेयरिंग दिखने वाला है, फुली आपको मैट ब्लैक में इस गाड़ी का स्टेयरिंग भी मिल जाएगा, छोटा सा स्टेयरिंग मिल जाता है जो कि काफ़ी प्यारा लगता है, राइड वगैरह करने में काफ़ी कंफर्टेबल आपको फील होने वाला है। और यहाँ पे लो बीम हाई बीम मिल जाता है, पासिंग लाइट इसी में इंस्टॉल है। और अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का सारा सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से इंडिकेटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसमें हॉर्न भी आपको मिलने वाला है सिंगल, मैं आप सबको हॉर्न का साउंड सुनाता हूँ। आपको हॉर्न बहुत ज़्यादा हेवी मिल जाता है। और इस साइड किल स्विच मिल जाता है, आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, आपका चारों इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड का लगभग गाड़ियों में आपको ये देखने को मिल जाएगा।
और ऐसा कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है जो पहले वाले क्लासिक थी उसमें मतलब फ्यूल नहीं बताता था कितना आपका गाड़ी में फ्यूल है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता था गाड़ी में कितना फ्यूल है, मतलब गाड़ी को हिलाना पड़ता था, मतलब कि देखना पड़ता सारा कुछ। लेकिन इसमें सबसे प्लस पॉइंट काफ़ी कुछ अपग्रेड किया गया है। देखिए यहाँ पे फ्यूल दिखा रहा है कि कितना गाड़ी में फ्यूल है, तो ये इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है, तो ये आपको अपग्रेड मिलेगा। और यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का बैजिंग मिल जाएगा, लोगो मिल जाता है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी आपको रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा आरपीएम शो करता है, स्पीडोमीटर आपको मिल जाएगा, और इधर आपको वार्निंग लाइट्स मिल जाता है, एबीएस गाड़ी में कितना फ्यूल है, बैटरी का यहाँ पे दिखा रहा है, ट्रिप ऑन ट्रिप टू, ये सब सारा कुछ आपको मिलने वाला है, कितना किलोमीटर गाड़ी चला है, तो आपको लगभग सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलने वाला है। तो कुछ ऐसा था गाइस रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे का डिटेल रिव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी इस गाड़ी के बारे में पूछना है तो आपको स्क्रीन पर डीलरशिप का नंबर दिख रहा है, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी ये गाड़ी लिए हैं, राइड वगैरह किए हैं, या फिर जिनके पास है, तो अपना ओपिनियन फीडबैक कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जिनको लेना है वो आराम से कमेंट वगैरह पढ़े देखे और अपने सेटिस्फेक्शन से गाड़ी को परचेस कर पाए। और जितना जितना हो सके ये वीडियो को दबाकर शेयर करिए फ्रेंड रिलेटिव अपने फैमिली में, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्हीकल रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइज़।